अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बीफ बर्गर बनाएंगे। बीफ बर्गर बनाने के लिए सबसे पहले हमें पैटी की ज़रूरत है। पैटीज़ बनाने के लिए हमने लिया है आधा किलो कीमा, इसको हमने दो दफ़ा मशीन से निकाल लिया, ये बिल्कुल बरीक होगा। एक प्याज ली है हमने, इसको बरीक चॉप कर लिया है। आधा हमने कप ब्रेड क्रम्स लिए हैं, दो चम्मच हमने हरी मिर्चें ली हैं कटी हुई, आधी चम्मच हमने सुरख मिर्च पाउडर लिया है, एक चम्मच हमने हरा धनिया लिया है, हसबे ज़रूरत हमने नमक लिया है, एक चम्मच हमने ज़ीरा पाउडर लिया है, दो चम्मच हमने सोया सॉस लिया है, दो चम्मच हमने चिली सॉस लिया है, आधी चम्मच हमने काली मिर्च पाउडर लिया है, आधी चम्मच हमने अदरक का पाउडर लिया है, आधी चम्मच हमने लहसुन का पाउडर लिया है। अगर आपके पास दोनों पाउडर नहीं है अदरक लहसुन के, तो आप अदरक लहसुन ताज़ा जो होती है वो पेस्ट बना के वो लगा सकते हैं। अब हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने खुले बाउल में कीमा डाल लिया है, इसमें ये हमने बारीक चॉप की प्याज डाल दी है, ब्रेड क्रम्स डाल दिए, हरी मिर्च डाल दी है, हरा धनिया, ज़ीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, अदरक पाउडर, लहसुन पाउडर, सुरख मिर्च पाउडर और ये नमक हसबे ज़रूरत, चिली सॉस, ये चिली सॉस और ये सोया सॉस। अब इन चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें। कीमे को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है, ठीक है। अब आपने इसको ढक्कन से ऊपर ढक्कन रख के फ्रिज में आधे घंटे के लिए रख दें, ठीक है। इसके बाद हम बनाएंगे फ्रिज से निकाल के। आधा घंटा हमने कीमे को फ्रिज में रखा था, ये हमने निकाल लिया है। अब हम पैटीज बनाएंगे। आप हाथ को हल्का सा ऑयल लगा लें, ऐसे ऐसे करके आपने दबा दबा के करना है, गोल गोल पहले बना लें आप। बीच में से आपने दबा के रखना है इसको, ठीक है। ऐसे ऐसे आपने दूसरी भी बना लेनी है। दो चम्मच आपने ऑयल लगाना है इसमें। हल्का सा गर्म हो जाए। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें मैंने ये देखें मैं अब इसमें हल्की आंच पे मैंने इसको करना है, ठीक है। ये दूसरी भी मैंने रख ली है, ये देखें हल्की आंच पे मैंने इसको पकाना है। जब जब ये बन जाएंगी फिर मैं आपको दिखाती हूँ। एक साइड हमारी हो गई है, ये देखें। अब मैं इसकी एक साइड दूसरी साइड पलटने लगी, ऐसे ये देखें, ठीक है। दूसरी भी आपने ऐसे ही पलट देनी है, ये देखें, ठीक है। तैयार हो गई हैं, ये देखिए। अब मैं निकाल रही हूँ, ब्राउन हो गई थी, मैंने इनको निकालना है,
अब आपको बर्गरों में लगा के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये देखिए, बर्गर सॉस बनाने के लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है। 4 चम्मच हमने मायनीज ली है। मायनीज मैं आपको पहले घर में बनानी सिखा चुकी हूँ। 1/2 चम्मच हमने कुटी हुई सुरख मिर्च ली है। हसबे ज़रूरत हमने नमक लिया है। 1 चम्मच हमने चिली सॉस ली है। 2 चम्मच हमने केचप ली है। 1 बॉल लिया है हमने, खुला बॉल लिया है। इसमें मैंने मायनीज डाल दी है। केचप डाल दी है। चिली सॉस डाल दी है। कुटी मिर्च डाल दी है। सुरख नमक डाल दी है। अब इसको आप अच्छी तरह मिक्स कर लें। बिल्कुल आपने अच्छी तरह मिक्स करना है इसको। मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। ये देखें, बर्गर सॉस हमारी तैयार हो गई है। बर्गर बनाने के लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है। 2 बर्गर लिए हमने, इनको तवे पे हल्का सा सेक लिया है। 2 पैटीज लिए हमने, चीज़ स्लाइस लिए हमने। 2 हसबे ज़रूरत हमने सलाद के पत्ते लिए हैं। बर्गर सॉस लिए हमने हसबे ज़रूरत। मायनीज लिए हमने हसबे ज़रूरत। प्याज को हम एक प्याज लेके हमने उनको गोल गोल काट लिया है। 1 खीरा लिया है, इसको भी गोल गोल काट लिया है। 1 टमाटर लिया है, इसको भी गोल गोल काट लिया है। अब हम बनाते हैं। सबसे पहले हमने बर्गर को मायनीज लगा लेनी है। ये देखें, ऐसे आपने लगा लेनी है। दूसरों को भी ऐसे लगानी है। मायनीज हमने लगा ली है। अब हम सलाद के पत्ते लगाएंगे। ये देखें, अगर आपके पास सलाद के पत्ते नहीं है तो आप बंद गोभी के पत्ते इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऊपर से हमने पैटीज रख दी है। ये स्लाइस चीज रख दी है हमने। ये खीरा रख दिया हमने। ये टमाटर, ये हमने टमाटर रख दिए। ये हमने प्याज रख दिए। ये हम सॉस डाल रहे हैं ऊपर से। और ये उसके ऊपर वाला हिस्सा। ये देखिए, बर्गर हमारा तैयार हो गया है। बर्गर हमारे तैयार हो गए हैं। ये देखें, मैंने घर में आसानी से तैयार कर लिए। बड़े मज़े के बनते हैं। बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर में बड़ी आसानी से बना सकते हैं। मैं आपको पकड़ के दिखा देती हूँ। ये देखें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।